Hi guys, I'm Stuti from E-Vidyarthi and in this session we will do class 11 chapter journal ka question number 28. This is page number 8.58 pe of the book T.S. Grewal. Start karte hain. Journalize the following transactions in the books of Mrs. Hari Ram. So, we need to make a journal. Journal ka format is our pass. Entry start karte hain. First point is, Rahul who owned rupees 5,000 was declared insolvent and 60 paise in a rupee were received as final compensation. So, Rahul jo hamara ek debtor tha, wo insolvent ho gaya hai. Insolvent ho gaya yani ye case bad debts ka hai. Aur usme se hume 60 paise in a rupee are received. Yani 60% amount hume receive ho gaya and remaining 40% bad debts hai. तो नॉर्मल बैड डेट्स और कैश रिसीव करने की एंट्री करनी है हमें कंपाउंड एंट्री पास करेंगे दोनों को मर्ज करके फर्स्ट पॉइंट 60 पैसे इन अ रुपी रिसीव हुआ है कैश रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट्स हमारे लिए एक लॉस होता है और लॉस का अकाउंट हम हमेशा डेबिट करते हैं बैड डेट्स अकाउंट डेबिट तो 60% कैश रिसीव हुआ और 40% की बैड डेट्स है दोनों को डेबिट कर दिया क्रेडिट कर देंगे हम अपने डेटर को तो हमारे पास आ जाएगा टू राहुल अकाउंट ये आ गई हमारे पास जर्नल एंट्री अब अमाउंट नोट करते हैं हमें राहुल को हमें पे करने थे 5,000 रुपीज तो 5,000 रुपीज राहुल के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 60% यानी 3,000 रुपीज रिसीव हुए और रिमेनिंग 2,000 रुपीज के बैड डेट्स हो गए ये हो गई हमारे पास जर्नल एंट्री फर्स्ट पॉइंट की फर्स्ट ट्रांजेक्शन की नरेशन भी लिख लेते हैं Being cash received from Rahul and bad debts recorded. ये हो गए हमारे पास फर्स्ट एंट्री कंप्लीट सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं आउट ऑफ इंश्योरेंस पेड दिस ईयर रुपीज 3,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर तो हमने इस साल एक इंश्योरेंस पे किया जिसमें से 3,000 नेक्स्ट ईयर का है यानी हमने 3,000 का एडवांस पेमेंट कर दिया हमने बात करी थी हर कॉन्सेप्ट में कि अगर हम एडवांस पे करते हैं किसी को एडवांस देते हैं तो वो हमारे लिए एसेट होता है हमने एडवांस में कोई एक्सपेंस पे करा है तो वो हमारे लिए एक प्रीपेड एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स होते हैं स्टार्ट करते हैं इसको नोट करना सेकंड ट्रांजैक्शन आ जाएगा हमारे पास एडवांस यानी प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री होती है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट और क्योंकि हमने कैश में पे किया है तो हम अपने कैश को क्रेडिट कर देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये हो गई हमारे पास इंश्योरेंस को एडवांस में पे करने की एंट्री अब हम लिखते हैं अमाउंट अमाउंट दे रखा है रुपीज 3,000 ये हो गई हमारे पास एंट्री नरेशन भी लिख सकते हैं हम बीइंग Insurance paid in advance. ये हो गया हमारे पास second transaction की entry complete. अब देखते हैं third और fourth transaction. Fourth transaction start करते हैं
सॉरी थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं. प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर 9 months. ओके, सो हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है. ये भी बहुत सिंपल है. आपने कॉन्सेप्ट में देखा है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री हम कैसे पास करते हैं. क्या होती है एंट्री? डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है तो डेबिट हो जाएगा. थर्ड ट्रांजैक्शन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, हम इसको डेबिट कर देते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट. और क्रेडिट क्या हो जाएगा? एसेट जिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. तो क्योंकि एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, एसेट क्रेडिट हो जाएगा. कौन सा एसेट है? फर्नीचर. फर्नीचर को हम क्रेडिट कर देंगे टू फर्नीचर अकाउंट. अमाउंट कैलकुलेट करते हैं. 10% ऑन ₹10,000 फॉर 9 months. ₹10,000 का 10 months, 10% 9 months के लिए. ये फिगर हमारे पास आ जाएगी ₹750. ₹750 का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया. अब हम लिख देते हैं नरेशन बी डेप्रिसिएशन चार्ज्ड. ये हो गई हमारे पास थर्ड एंट्री. फोर्थ ट्रांजैक्शन देखते हैं. गुड्स यूज्ड इन मेकिंग फर्नीचर. तो हमने बिजनेस का जो स्टॉक था उसे फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? अगर हम गुड्स को किसी भी पर्पस के लिए यूज करते हैं अदर देन सेल, तो हम परचेज को क्रेडिट कर देते हैं. तो हमारे पास क्रेडिट में आ जाएगा टू परचेज अकाउंट. और हमने फर्नीचर क्रिएट किया है, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो वो एसेट डेबिट हो जाएगा. हम फर्नीचर को डेबिट कर देंगे. फर्नीचर अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट. ये हो गई हमारे पास एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. अब अमाउंट आ जाएगा. ओके, तो हमें दो फिगर्स दे रखी है, एक सेल प्राइस दे रखा है और एक कॉस्ट. सेल प्राइस है ₹5,000 और कॉस्ट है 4,000. हम हमेशा जब भी गुड्स को अपने आप यूज करते हैं अदर देन सेल, हम उसे कॉस्ट पे यूज करते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं. तो फिगर आ जाएगी हमारे पास ₹4,000 की एट कॉस्ट. नरेशन आ जाएगा बीन फर्नीचर परचेज फर्नीचर मेड. ये हो गया हमारे पास फोर्थ और लास्ट ट्रांजैक्शन. तो हमने क्वेश्चन नंबर 28 बहुत अच्छे से कर लिया है. आई होप आपको ये समझ आया होगा. एंड स्टिल अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, यू कैन राइट अस ऑन द कमेंट बॉक्स. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.